अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग बर्लिन के अलेक्जेंड्रिया प्लाट्स के ऊपर हैं, प्लाट्स मन स्क्वायर। दैट्स द प्लेस वेयर शाहरुख खान मेट डाउन टू, लाइक ही जंप फ्रॉम दैट होटल। अच्छा, शाहरुख खान भाई जो है वहाँ से छलांग लगाई थी, अभी तक सलामत हैं लेकिन। और ये गैलरिया मॉल है यहाँ पे, और ये प्लाट्स कहते हैं स्क्वायर को। तो ये अलेक्जेंडर भाई जो थे उनके नाम पे ये स्क्वायर बना हुआ है, वो सामने कुछ घूमने वाली चीज़ें लगी हुई हैं, पता नहीं क्या दुनिया घुमा रहे हैं वो। इट्स लाइक क्लॉक, वर्ल्ड क्लॉक। अच्छा, इट वर्क्स लाइक अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। ओह नाइस। और ये सामने सैटर्न गाड़ी की कंपनी है जो कि अमेरिकन कंपनी है, पता नहीं इसका यहाँ पे क्या स्टार है। सैटर्न इज लाइक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। अच्छा, यहाँ पे सैटर्न जो है इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर कंपनी, अमेरिका में गाड़ी की कंपनी होती है। प्राइमैक्स जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक सुपर स्टोर है, जहाँ जाके मुझे भी कपड़े लेने हैं रोड से। नहीं, सुपर शिटी एंड सुपर चीप सूट्स मी वेल। नॉट एवरीबडी इज मिस्टर गोंदल। सो एंड यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, हम आए हैं और ये बता रहे थे कि भी हाँ, तो हम वॉक भी करते जाते हैं और देखते भी जाते हैं। तो बर्लिन स्टार्टअप का कैपिटल, स्टार्टअप क्यों यहाँ बर्लिन में स्टार्टअप ज़्यादा होते हैं? नंबर वन रीज़न, बर्लिन इज़ चीप, सस्ता शहर है। बर्लिन इज़ चीप एज कम्पेयर टू एनी अदर यूरोपियन कैपिटल। यानी कि कितने का कमरा मिल जाते हैं आपको? 400 यूरोस, 400 यूरो का कमरा पर मंथ, व्हिच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड। अपार्टमेंट या कमरा? कमरा। आई पे 400 यूरोस फॉर माय अपार्टमेंट, बट आई गॉट लकी बिकॉज़ आई गॉट अपार्टमेंट वेयर, वो भी डाउनटाउन में। एग्जैक्टली, द रेंट इज कंट्रोल्ड बाय जर्मन गवर्नमेंट, सो देयर आर फेयर फ्यू बिल्डिंग्स व्हिच आर ओन्ड बाय कॉर्पोरेशंस, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस। यू गेट टू बी, यू हैव टू बी नॉमिनेटेड फॉर देम, और यू हैव, देयर इज अ वेटिंग लिस्ट फॉर 5। गोंदल भाई ना आखिर। I got lucky there. Berlin, first reason is Berlin is cheap. Second reason, Berlin is funded by mostly European. अच्छा जी, हाँ बता रहे थे। Yes. So after Brexit, as I was explaining before, all the capital, venture capital money is flowing into Berlin. Part of it is going to Stockholm and Paris also, but the major beneficiary of that Brexit is Berlin. And a lot of venture capital, new venture capital funds are like opening up or like starting up in Berlin. And also corporate companies in Germany are opening up to the digital world. For example, Siemens just set up a fund of 1 billion euros for venture capital investments in Germany or in Europe. And they have like, they have a head office in Munich, but they also have like office in Berlin, because Berlin is where the action is being done. But they have a office in Munich because they were set up like based there. They have a headquarters there. That's why they were based in Munich also. But besides that, a lot of family offices are investing in European companies. Another reason, valuations in America or elsewhere in venture capital world are crazy, but in Europe, the venture, like valuations are not crazy. They are very conservative. Let's put it this way: they are very conservative. So even for European firms, it's an attractive thing. For American firms, it's an attractive thing to invest in European companies because they come cheap, and still they are producing unicorns. We have some unicorns already in Germany. Unicorn kya hota hai? Unicorn, wo jo janwar jo ghoda hota hai, uske sar pe danda laga hota hai. No, unicorn is a company which is worth $1 billion. And we have at least जो कंपनी एक अरब डॉलर से ज्यादा की हो वो यूनिकॉर्न होती है। पाकिस्तान में कितनी होंगी इस तरह की कंपनी? पाकिस्तान में इस तरह की कोई कंपनी नहीं है। कैसे बनाई जा सकती है? By following the model what they have implemented in Germany and in US and elsewhere. Scaling at a very crazy rate. By scaling, I mean expanding a business at a very crazy rate. तो अगर कोई भी कंपनी पाकिस्तान में कोई ऐसी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर या ऐप बनाती है जो 200 मिलियन पाकिस्तानियों के काम आ सकती है, तो बिलियन डॉलर कंपनी बन जाएगी? It's possible. It's definitely possible. If you have a product which caters to a big population, mass population, then definitely you can become a billionaire company. I'm not sure, but I'm pretty certain that Flipkart from India, they are valued more than a billion. So they are unicorn, and that's one example which you can take from a developing country, and India is your neighbor, so you can express precedent for you that you can also. Rooms bhi takriban pahunch gaye. Exactly. Chalein thodi sair kar lete hain. Yes. Yahan ki. ये पुलिस वाले आ गए हैं
और ये बाबा जी अभी थोड़े पियानो वानो बजा रहे थे गिटार शिटार ये बेचारियों को कोई घर जगह नहीं मिली तो यहीं बैठ गई हैं ये बैकपैकर्स हैं सारे यूरोप की सैर कर रही हैं और बीच में जो है वो सिगरेट बना के पी रही हैं अच्छा जी ये बिल्डिंग होटल है गैलरी है और क्या है और ये घर अच्छा वो जो फवारा देखना है और घड़ी देखनी है Again, when you're in Manchi capital, they look at no. But we're live. Ja rahe hain. This is not cannot be between no, me and of you. Of course, of course. Again, if you're a venture capitalist, people look at you in a very different way. Because एक पीछे पीछे भाग रहे होते हैं पैसे मिलेंगे पैसे मिलेंगे पैसे मिलेंगे exactly and भाई आदमी है इसके पास पैसे हैं इसको पकड़ लो it was not my money at all it was money which was from my investors which were Russian investors who wanted to invest in you Russian investors exactly Russian कौन सा No. Hi. How are you? Good. You made them yourself? Yeah. What is this? It's like a buckram necklace or the bracelet like this one. How much is it? It's all different from like 5 euro up. 5 euro up? Where are you from? I'm from Taiwan. Taiwan. Ni hao. Ni hao. Pakistan. Oh. But I live in Berlin and he lives Around the world. Wherever I can get a place to sleep, I can. Yeah. I love Taiwan, it's a beautiful place. You've been Taiwan? Yeah, a few times. Oh, yeah. I miss Taiwan. And you can go back. Yeah, traveling. Someday. All right, thank you. Thank you very much. Have a nice day. Bye-bye. So, Ghadi. That's what it's called, yeah. So, this kind of works in a magical way where you can kind of see what time is it in different parts of the world kaise I have no idea how it works bhai kisi ko pata hai ye ghadi kaise kaam karti hai koi bataye bhai probably it's put it somewhere there acha ye cubics kya cubes mein cinema hai ya kuch aur hai that's a, like a cubic is like a building and then Achha. Cinestar is a place in that so cinestar jo hai ek duniya ki global cinema house ki franchise hai मलेशिया में भी है जर्मनी में भी है और मुल्कों में भी है तो ये सिनेमा की भी फ्रेंचाइज बन सकती है फिर नीचे KFC आपको नज़र आ रहा है कड़ी नज़र आ रहा है और मैकडोनल्ड नज़र आ रहा है DM मार्ट जो है वो नज़र आ रही है जो कि एक सुपर मार्केट की तरह से होती है क्या हुआ आई थिंक गूगल पे टू शहराज नदीम भाई आप भी सिंपल पाकिस्तानी बिजनेस मैन ना बने ना Become extraordinary. Google Pays. यार वो पैसे कहाँ बेचते हैं Facebook वाले और Google वाले मुझे भी बता दें जाके मैं उनमें से पैसे इस्तेमाल कर लूँ हैं वे मुझे क्या उनसी दुकान थी सामने प्राइम मार्क जाके कपड़े ना खरीदना पड़े गुच्ची और अरमानी में जाके क्लेरिया में जाके कपड़े खरीदे हाँ सो डज इट से कि काम किसे करती है खैर ये बहुत ही खूबसूरत सी अजीब और गरीब सी चीज़ है और हमें तो अच्छी लगती है अजीब और गरीब चीज़ या हो सकता है कि ये बर्लिन फेयर पे तो नहीं बनाई थी मेरा ख्याल है कि ये जो पीछे टावर है कि ये जो पीछे टावर आपको नज़र आ रहा है और जो घड़ी नज़र आ रही है कोई गूगल करके कन्फर्म कर ले कि ये जब यहाँ पर फेयर लगी थी तो उसके टाइम पे बनाया गया था आप भी फोटो ले लें फिर इसको निकाल लेंगे खैर तो और कहाँ थे अल्लाह मियाँ ऐसा वक्त हमारे मुल्क में भी लाएं कि हम कराची में लाहौर में फैसलाबाद में आराम से बैठे हों दरख्तों के नीचे फुटबॉल खेल रहे हों और ये डर ना हो कि कुछ फट जाएगा यहाँ अभी भी है लोग बैठे होते हैं लेकिन थोड़ा सा ऐसा माहौल नहीं होता पता नहीं क्यों नहीं होता होना चाहिए okay. अच्छा
But the girls who are wearing the band and the guys who are wearing the same clothes, that means they are the guys are supposed to party. Yeah, yeah, yeah. Burning is a place for bachelor party, bachelor party. So why are they here? They are selling sex toys. They are selling. Selling. They are selling sex toys to raise money for the party. Wow. Because just to make it fun for the bride. So bride bhi bech rahi hai. Yeah, bride is also selling it. Ye bride hai. No, that's the bride. The one in white is the bride. Main bhi angrezi bolte hu. They are like conservative German, so I assume they're experienced. How do you know they're conservative German? I can see by just tell them by looking at them. Haan, mujhe bhi sikhao. I've been here long enough. To know. The guys, probably they would be open if you got the guys there. But again, that's the groom? Again, guys with tattoos and. Yeah, let's get out. Okay. It's a different story. डांट नहीं खाते. TJ Maxx भी पहुंच गया यहाँ पे. वो झंडा किस चीज़ पे लगा हुआ है भालू के साथ? That's like a Berlin government building, like local government building. That's what it is. Like a district office, but it's like your Nazim's office, mayor's office. Hi Sarah, hi Didar, hi Swale, hi Riaz Bhattu. Riaz, bhai, hum darne wale nahi. Kisi se darne wale nahi? Bahut se darne wale. Haan. Yeah, darke. Rehan, rich man, he worked it out. Okay. Taiwan. I would have loved to see the jewelry the girl from Taiwan was selling. Sorry, I tried to show. Shehnaz, Nasheraz, Nadeem. आप पैसे भिजवा रहे हैं ना मुझे गूगल वाले तरफ और इट्स द बिगेस्ट जोक आई हैव एवर हर्ड गूगल पेस नो वन एक्सेप्ट देयर एम्प्लॉइज या और द कंपनीज दे एक्वायर ओह वेल नॉट अ रैंडम पाकिस्तानी सेलिब्रिटी या नॉट येट एक्सेप्ट व्हेन ही इज एडवर्टाइजिंग समथिंग फॉर देम या प्रोबब्ली दैट्स ऑन द स्टेज आई थिंक दैट्स नॉट द केस ऑफ कॉमन ही इज एडवर्टाइजिंग प्रोबब्ली बर्लिन एंड नॉट गूगल या तो ये फवारा है जी ये फवारे के चारों तरफ लोग बैठे हैं ऐश कर रहे हैं बियर पी रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं चिल कर रहे हैं ज़्यादातर जो हैं वो यहाँ के लोकल नहीं होंगे ज़्यादातर टूरिस्ट होंगे फॉरेन टूरिस्ट दूसरा ये जगह है जहाँ पे आके रात को रिफ्यूजी जो है ना वो पुंडी करते हैं पुंडी की जगह वो क्या होता है ईव टीजिंग कौन सी टीजिंग ईव टीजिंग नहीं मालूम लड़कियां ताड़ने की जगह लड़कियां ताड़ने What is Berlin famous for? Capital of Germany. That's one thing. It's capital of startup. That's second thing. Yeah. What else? Art. It's also art capital. What taraf kya? Just buildings. Building. But we have to go through. We have to go through this way, the bus. Or we can go. चलते हैं main street से चलते हैं. ऊपर जा सकते हैं? Oh yeah. कितने पैसे लेते हैं? I think 17 euros. But खाना भी देते? No, but it takes off like line. The queue is always like huge, so it's not worth it. देखिए सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है ना काश कि हमारे लोग इस तरह से दीवारों पे और ज़मीनों पे ड्राइंग शुरू कर दें. देखिए इस पे कोई इसे परमिशन लेनी होती होगी. ये उंगली से ड्रॉ कर रही है बेचारी. Beautiful. It's very pretty. Kahat apaj hai? Yeah. Wow. Do you speak English? Yes.
What happened to your hands? It's from foreigner. What is it called? Atrogyposis multiplex congenita. The what? Atrogyposis multiplex congenita. Where are you from? Slovakia. Slovakia, yeah. Wow. And you live here now? Just during the summer. And then you go back? Yeah, I have to go back. And, yeah, and still you can draw with the abnormal hands? Yeah, I was going to art school for 12 years. Wow. What's your name? Erika. Can we Facebook you? Yeah. What's your full name? A-R? E-R? Spelling? Yeah. can I write to you? Or... Okay. Yeah, do you have a card? No? Okay. Just spelling? It's very difficult. It's okay. Like Svancerkova. Uh-huh. It's Slovak name, so it's difficult. Yeah. Okay. Erika Svancerkova. If you want to write your phone or... Okay. I will write. I was going live. You have 55 people watching you. Yeah. That's why. That's cool. So, let me stop it and try to add it.